चर्चित अंग्रेजी के शिक्षक विपिन कुमार सिन्हा जी से, जो बिहार के शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो जानेंगे कि क्या कुछ खास है इनके पढ़ाने के सलीके में। विपिन जी, सबसे पहला सवाल कि विगत 13 वर्षों से आप बिहार की राजधानी पटना में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान छात्रों को दे रहे हैं, क्या कुछ कठिनाइयां आई हैं बच्चों को पढ़ाने के? सबसे पहले कठिनाई हमारे बच्चों में उसके प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, उसके लिए हमने एक समाधान निकाला। हमारे पास बच्चे आते हैं और मैं 200-500 वर्ड लेकर मैं उसको हिंदी में उसके उच्चारण को लिखता हूं और वो उसे बार बार रिपीट करके उसको सीख जाते हैं। दूसरी दिक्कत होती है कि हमारे बच्चों में आजकल फेसबुक और जो व्हाट्सएप चल रहा है वो उसके कारण इंग्लिश या किसी भी विषय में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन निकाला। हमने एक ऑनलाइन अपने जो पढ़ाता हूं उसका टेस्ट लेता हूं, जो BSTSC.com के नाम से होता है, और आप उस पर जाकर किसी भी इंग्लिश के विषय को जो हमने पढ़ाया है वहां पर जाकर आप उसको बना सकते हैं। इस तरह से उसे हम अच्छा करते हैं। क्या कारण है कि बिहार के छात्रों में अंग्रेजी भाषा को लेकर जो डर बना रहता है और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में वो तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक अंग्रेजी भाषा के बारे में उसमें अच्छी से जानकारी है? कम जानकारी और शुरू से इंग्लिश के प्रति जो रुझान होना चाहिए वह नहीं होता है, जिसके कारण जब इंग्लिश पढ़ने आते हैं उसके पहले उन्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत भारी, लेकिन जब हमारे साथ जुड़ते हैं और मैं एक एक वर्ड पर उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आप कर सकते हो, और धीरे धीरे एक एक लाइन के शब्दों को याद कराता हूं, न कि केवल वर्ड को याद कराता हूं, सिरोनी भी याद कराता हूं। हमने उसको जंबल के द्वारा कैसे एक कहानियों के द्वारा उन्हें इस तरह से बताता हूं कि उसे मन लगने लगे, और जब एक प्रश्न उससे बनने लगता है तो धीरे धीरे वह उसमें मजा लेने लगता है और आगे इंग्लिश को सीखने लगता है। ग्रामीण परिवेश से और खासकर बिहार बोर्ड से पढ़कर आने वाले छात्रों के मन में जो डर रहता है अंग्रेजी भाषा को लेकर, उसे आप कैसे दूर करते हैं? उसे ऐसे दूर करते हैं कि बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रामीण परिवेश के होने के कारण उनके मैथ्स अच्छे होते हैं, बाकी विषय अच्छे होते हैं, और इंग्लिश के प्रति वह पहले उनका रुझान नहीं होता, वो उसमें जाना नहीं चाहते। और जब मेरे यहाँ बच्चे आते हैं उसको मैं पैसेज से शुरू करता हूँ, एक एक लाइन के अर्थ को समझाता हूँ, उस लाइन के एक एक वर्ड को समझाता हूँ, वह खुद उस अर्थ को यूज कर उस इंग्लिश के लाइन को वह अपने पढ़ता है और अपने उसके अर्थ को निकालता है, तो उसे अच्छा लगने लगता है, और धीरे धीरे उसको जब आनंद आने लगता है तो वह इंग्लिश में प्रश्नों को बनाना शुरू करता है, कॉमन ईयर बनाता है, फिल इन द ब्लैंक भी बनाता है, और साथ साथ सिनोनिम एंटोनिम भी बनाता है। ये है हमारे बाजारवाद के इस दौर में महज 3000 की फीस में श्रेष्ठ कोचिंग को सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो आपका 13 वर्षों का अभियान है, आप उसमें कहां तक सफल हुए? मैं बहुत सफल हुआ, क्योंकि हमारे पास, हम ये मानते हैं कि हमारे जो बच्चे आते हैं यहाँ बिहार में, खासकर पटना में, बाजारवाद तो बहुत ज्यादा है, कई एक शिक्षक है, और उन शिक्षकों के द्वारा कहीं 5000, 10000, 20000 लिया जाता है। मैंने एक ऐसा फीस रखा, मॉडरेट फीस रखा, जिसमें लोग जब यहाँ पर आता है उसको ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ फंस गए। ये कम फीस है, अगर न भी अच्छा लगा तो कहाँ ज्यादा फंसा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब उनको लगता है कि 6-7 दिन 8 दिन के बाद, अरे ये तो बड़ा कम पैसा है और इस पैसे में हम 7 महीने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उसे अच्छा अनुभव होता है। तो इस तरह से मैं बाजारवाद को तोड़ पाया, और आज इस वजह से कम पैसे के कारण लोग हमसे जुड़ते हैं, और धीरे धीरे आज मेरे पढ़ाने के बाद हजारों ऐसे विद्यार्थी हैं जो भारत सरकार और बिहार सरकार के विभिन्न ऑफिस में वो कार्यरत, उनके फोन हमारे पास जब आते हैं तो मुझे खुशी होता है कि वो इंग्लिश जिससे वो डरते थे उस डर को मैंने खत्म किया, जिस पैसे को वह देकर सोचते थे कि फंस गए वो पैसा भी उनका नहीं लगा, और आज वो सीख कर हमें दुआ ही देते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू मेरे स्टूडेंट। 13 वर्षों के सफरनामे के दौरान क्या कुछ संघर्ष किया विपिन जी, ये भी जानेंगे। विपिन जी, सबसे पहले बताइए कि जो श्रेष्ठ कोचिंग आपने शुरू किया तो अंग्रेजी भाषा को ही लेकर क्यों शुरू किया, जबकि उस दौर में बिहार में इंजीनियरिंग मेडिकल के ज्यादा कोचिंग थे, इसमें भाषा पे ही आपका जोर क्यों? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे भी कई मित्र होते थे, और उनमें एक चीज बड़ा अनकॉमन था, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते थे और सभी सब्जेक्ट को पढ़ते थे। जब मैं उसे पूछता था ऐसा क्यों भाई, हमारे बाबूजी का हम पर पूरा कब्जा था, कब्जा इन द सेंस कि वो चाहते थे कि मेरा बेटा खूब पढ़े, और उसमें वो चूंकि इंग्लिश अपने भी जानते थे बढ़िया, हमारे बाबूजी एजी ऑफिस में कार्यरत थे, ऑफिसर ग्रेड में थे, उनके द्वारा जब हम पर दबाव पड़ता था तो रियली में मैं पढ़ने लगता था,
और धीरे धीरे जो स्टूडेंट हमारे जो हमारे बीच में हमारे मित्र होते थे वो इस विषय पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो हमारे स्कूल में हमारे नंबर इंग्लिश में अच्छे आते थे, हमारे स्कूल के टेंथ में हमारा नंबर अच्छा आया, बाद में मैंने इंटर बीए सब में इंग्लिश पढ़ा बढ़िया से। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं रियली जो हमारे मित्र नहीं पढ़ते थे तो उसी तरह से हमारे छात्र जो आज हमसे जुड़ते हैं उनके साथ भी तो यही स्थिति है। उनके घर में गांव में इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट उसके बाबूजी कहते हैं पढ़ने के लिए इंग्लिश में, तो जब मेरे साथ जुड़ता है तो अब उसके अंदर एक भाव आता है कि अब मैं किस लिए पढ़ रहा हूं, तो ये पढ़ाई पढ़ रहा हूं अब हम नौकरी के लिए। यहां शॉर्टकट नहीं चलेगा, यहां पर किसी तरह से आप अगर चाहोगे कि हम शॉर्ट में निकाल लें, एक का दो, दो का दो, तीन का दो, चार का दो रंग दिए और तब हम निकल जाए, ये नहीं चलेगा। आज आपके पास अगर एसएससी की बात करें तो सीजीएल मेंस में 200 नंबर के आते हैं, आपके रंग देने से या सभी विषय पूरे के पूरे 200 का दो नंबर में रंग दिए तो कितना नंबर आएगा, तो माइनस में आएगा। इसको मैंने तोड़ा और आज हमारे विद्यार्थी जो जितना हो सकता है हमसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह से वो इंग्लिश में अच्छा करने लगते हैं। ये थे विपिन कुमार सिन्हा जी जो बता रहे थे कि बिहार के ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र कैसे अंग्रेजी भाषा से दूर भागते हैं और कितनी कठिनाई के साथ उन बच्चों के मन मस्तिष्क को अंग्रेजी भाषा की तरफ खींचा जाता है। दर्शकों, मिलेंगे फिर किसी दूसरे शिक्षक के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।